आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। यूपी द्वारा आज प्रदेश भर में बूथ स्तर पर संगोष्ठी की जा रही है। इसमें अटल जी की विराट व्यक्तित्व पर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा करेंगे। खबर आपको बता रही है जहां प्रदेश भर में संगोष्ठी का आयोजन किए जा रहे हैं। दरअसल अटल जी के विराट व्यक्तित्व पर चर्चा की जा रही है, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है और इसे बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। यही वजह है कि प्रदेश भर में संगोष्ठी आयोजित की गई है जिसमें विराट व्यक्तित्व पर चर्चा की जा रही है उनके। तो कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग इस संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज तो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इसे बीजेपी मना रही है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा स्मिता घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम, आज बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रही, किस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर दूसरा अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के तौर पे आज का कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रही है। 99वां जन्म शताब्दी जन्म दिवस है उनका, आज जयंती अगर कह सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम जो है एक कार्यक्रम में अटल गीत गंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये शताब्दी वर्ष है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष पे हम लोग तमाम कार्यक्रम पूरे साल भर मनाएंगे और जो सबसे भव्य कार्यक्रम होगा वो 25 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। यानी पूरे एक साल तक भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के तौर पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम करेगी। आज जो है आज सुबह 10 बजे के दरमियान लोकभवन स्थित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने वहां पे माल्यार्पण किया और वहां से श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा आप सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेश्वर जाएंगे, आगरा के बटेश्वर वहां पे पहुंचेंगे और बटेश्वर जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थल है, जहां पे उन्होंने जन्म लिया था वहां पे जाएंगे, वहां पे तमाम जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और वहां पे श्रद्धांजलि देंगे। काफी तैयारियां की गई है, पूरे प्रदेश भर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं सरकार में और खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर के सुशासन दिवस मना रही है। अयोध्या में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे, सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में सारे जितने भी जिले हैं हर जिलों के मुख्यालय पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, स्वच्छता की जा रही है, अलग अलग जाकर के जो मरीज है अस्पतालों में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो फल वितरण कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके को लेकर के कभी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहते जिससे सामाजिक और राजनीतिक रूप से अड़चन आए। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता हैं और ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर के आज जो है पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इसी के तहत सुशासन दिवस मनाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, अटल बिहारी वाजपेयी से जीवन से जुड़े हुए तमाम ऐसे जो वाक्य हैं, जो उनके जीवन की गतिविधियां रही हैं, जो उनके
रीजन को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाती है उन सब सारी बातों को लोगों के बीच में रखेगी और इस कार्यक्रम में जो है तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद करेगी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से हर अटल बिहारी वाजपेयी को स्थापित करने के लिए जहां जहां पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर पहले से ही हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया है। लोगों से अब वहां पे वन टू वन बात की जाएगी, अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों से जुड़ी हुई चीजें को चर्चा की जाएगी, उनके लिखे हुए गीत, चूंकि वो एक बड़े कवि भी थे, एक अच्छे कवि थे और ऐसे में उनका लिखा हुआ आज भी जो है लोगों के बीच में प्रचलित है, ऐसे में उनके लिखे हुए गीतों को वहां पर प्रसारित भी किया जाएगा, उन लोगों के बीच में बातचीत किया जाएगा। तो देखा जाए तो आज जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, लगातार लोगों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के काम कर रही है। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है ये 99वां जयंती है, तो ऐसे में जो शताब्दी वर्ष है उसको लेकर के कल अटल गीत गंगा का आयोजन किया गया था। अटल गीत गंगा के आयोजन में कुमार विश्वास यहाँ पर शिरकत करने आए थे कवि के तौर पर, उनके जीवनी से संबंधित सारे तमाम जो है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए घनश्याम।